नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी आदाब। मान्यवर, मैं इस्माइल बाटलीवाला देश का आम नागरिक हूँ, उसके नाते देश हित में और यहूदियों के बारे में आज आपको एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ क्या आप इसको सुनकर ठोस निर्णय लेंगे। आपको मुबारकबाद देता हूं जो कि कल 16 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र में आपकी तरफ से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहने का फैसला लिया है। वो बहुत मुबारक कदम है और हमारे देश के लिए बेहतर कदम है। मान्यवर, महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण जी के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, हजरत ईसा के विचार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार हमारे देश की पूंजी है, क्योंकि इन सब के विचार जियो और जीने दो पर कायम है और यही धर्म है। और यहूदा के विचार सबकी जीविका छीन कर खुद जियो और सबके विकास को रोक लगाकर सिर्फ अपना विकास करने पर कायम है और ये अधर्म है जो कि हमारे देश की विचारधारा के खिलाफ है। यहूदा की पॉलिसी है कि खुदा की पैदा की हुई इंसानों में से खुद को अव्वल दर्जे का शहरी मानते हैं और बाकी इंसानों को अपना गुलाम मानते हैं और अपना सेवक मानते हैं। मान्यवर, यहूदा और यूसुफ दोनों हजरत याकूब की औलाद थे, मगर यहूदा दूसरी माँ का बेटा था और यूसुफ दूसरी माँ के बेटे थे, मगर यहूदा बड़ा था और यूसुफ छोटे थे। यूसुफ जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करते थे, इसलिए उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज़्यादा पसंद करते थे। और यहूदा के विचार सबके जीविका छीनकर खुद जियो की पॉलिसी पर कायम था, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम यहूदा से नाराज रहते थे। बाप की नाराजगी का कारण यहूदा यूसुफ को मानता था, इसलिए यूसुफ से जलता था और यूसुफ को रास्ते से हटाने की सोच रखता था। एक दिन यहूदा ने अपने वालिद याकूब से कहा कि हम लोग सफर पर जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यूसुफ को भी साथ ले जाएं। हजरत याकूब को खतरा था कि यहूदा यूसुफ के साथ कोई खतरा भी कर सकता है, इसलिए वो भेजने को तैयार नहीं थे, मगर यहूदा की जिद के कारण इजाज़त दे दिए। यहूदा अपने विचार पर चलने वाले भाई लोग को भी साथ लिया और सफर पर रवाना हो गया। जंगल में पहुंचने के बाद उन लोगों ने यूसुफ का कपड़ा उतार लिया और यूसुफ को एक अंधे कुएं में जिंदा फेंक दिया। यहूदा लोग ने जंगल में एक जानवर को मारकर उसका खून यूसुफ के कपड़े में लगाकर और घर आकर रोते हुए और मातम करते हुए अपने वालिद को बताया कि यूसुफ को जानवर ने मार डाला और हम लोगों ने बचाने की कोशिश की मगर नहीं बचा सके। मान्यवर, यूसुफ को जिस कुएं में फेंका गया था उसमें पानी नहीं था बल्कि बिल्कुल सूखा था, इसलिए यूसुफ मरे नहीं, जिंदा बच गए थे। और चंद दिन बाद व्यापारियों का एक काफिला उस जंगल से जा रहा था तो उनको कुआं नजर आया, तो वो लोग पानी भरने की कोशिश किए मगर उसमें पानी नहीं था बल्कि एक बच्चा नजर आया। काफिले वालों ने बच्चे को निकाल कर अपने साथ ले लिए। उसके बाद की कहानी लंबी है, बस इतना बताना था कि यूसुफ जिंदा बच गए।
मान्यवर, यहूदा विचारधारा की एक बड़ी खराबी यह है कि जब कोई जियो और जीने दो कि मुहिम जोर पकड़ती है तो ये लोग अपना मखौटा बदल कर वैसे बन जाते हैं और अंदर रहकर उस मुहिम को और उसके अगुआ को नुकसान करते हैं और पहुंचाते हैं। हजरत मूसा ने इनको फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराया और जब ये आज़ाद हो गए तो इन्होंने हजरत मूसा को ही हजरत मूसा के साथ ही धोखा किया। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाकर कत्ल करने वाले यहूदा की विचारधारा के लोग हैं और हजरत उमर का कत्ल करने वाले भी यही विचारधारा के लोग हैं। मानवर, आपको पता है कि इनकी इस हरकत के कारण हिटलर ने यहूदी लोग का कत्ले आम करवाया था और जो भागकर बच गए थे दुनिया भर में भटक रहे थे, मगर इनको किसी ने भी इन पर दया नहीं किया और किसी देश ने इनको रहने की जगह नहीं दिया। मगर जब यहूदी ने फिलिस्तीनियों से रहने की जगह मांगी तो उन्होंने उन पर रहम करके उनको रहने के लिए जगह दे दिया। उसके बाद वो फिलिस्तीन पर ही कब्जा करते रहे और फिलिस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने लगे। बाकी जो हो रहा है वो आप देख रहे हो। मान्यवर, यहूदियों के साथ रिश्ता रखना हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो देश में खाना जंगी ही करवाएंगे, गृह युद्ध करवाएंगे और सभी को हथियार और फंड देकर लड़वाएंगे और हमारे देश की जियो और जीने दो की विचारधारा को खत्म करेंगे, देश को कमजोर करेंगे और हमारे पूरे कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। मान्यवर, अगर उनसे कोई टेक्नोलॉजी सीखना है तो अपने बंदों को उनके पास सीखने को भेजा जाए, मगर उनको अपने देश में सिखाने के लिए उनके बंदों को ना बुलाया जाए, वरना देश के लिए घातक होगा। इसलिए उनकी जो कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं और पूरे प्रोडक्ट पर कब्जा कर चुकी हैं और हमारे प्रोडक्ट बंद करवा चुकी हैं, उन कंपनियों को देश से बाहर निकाला जाए। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि अपने देश को इसराइल और फलस्तीन बनने से रोका जाए। जय हिंद।